$1 billion के लॉसूट के बावजूद रोनाल्डो ने बाइनेंस पर लॉन्च की लेटेस्ट एनएफटी कलेक्शन। डोनाल्ड ट्रंप के कोर्ट केस की सुनवाई के बाद गिरी ट्रंप एनएफटी की कीमत। एनएफटी एंथुजियास्ट अब खरीद सकते हैं लग्जरी कार्स की फ्रैक्शनल एनएफटीज। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रोनाल्डो की फोर्थ एनएफटी कलेक्शन से लेकर ट्रंप एनएफटी स्लम तक कई मजेदार एनएफटी अपडेट्स मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूं। तो हो जाइए एनएफटी वर्स के इस खास एपिसोड के लिए तैयार। इसमें आपके फेवरेट एनएफटी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स तो होंगी ही, साथ ही हम एक खास स्पेशल गेस्ट से करेंगे मुलाकात। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा एनएफटी मार्केट का हाल। पिछले हफ्ते एनएफटी सेल्स में 7% की गिरावट देखी गई। 25 मई से 1 जून के बीच टोटल एनएफटी सेल्स रही $122.3 मिलियन। इन 7 दिनों के दौरान इथेरियम ने 12% की गिरावट के साथ $37.06 मिलियन की सेल्स बटोरी, तो वहीं करीब 11% की गिरावट के साथ बिटकॉइन ने $28.54 मिलियन सेल्स बटोरते हुए दूसरा पायदान संभाला। तो वहीं तीसरे पायदान पर सोलाना ने 2% की मामूली गिरावट के साथ $19 मिलियन सेल्स दर्ज की। चौथे पायदान पर अपना कब्जा जमाया पॉलीगॉन ने 29% की बढ़त के साथ $15.54 मिलियन की सेल्स अपने नाम करते हुए। तो वहीं पांचवे पायदान पर रही इमिटेबल एक्स ने करीब 15% की बढ़त के साथ $8.54 मिलियन की सेल्स दर्ज की। फॉर मोर डिटेल्स ऑन दिस लेट्स कट अक्रॉस टू आवर गेस्ट मिस्टर अंगद सोडी। वेलकम टू थ्री डॉलर टीवी। Ethereum and Bitcoin keep outperforming each other to capture the number one position in the top NFT sales volume list, but now Solana is also emerging as a strong contender. Which blockchain do you think will rule the NFT market in the future? See, Ethereum is sort of like your US dollar, right? It has become the most transacted, and even though Solana and other blockchains are catching up, and there may be others who will possibly surpass Ethereum, but I don't see that happening in a hurry. Having said that, of course, for a lot of creators who are actually building things and they're putting them on different chains, they are chain agnostic. There are a lot of platforms and a lot of marketplaces that also allow you to list without you committing to a chain. Okay. So I could list an NFT and you as the user could decide whether you want to own it in Ethereum or you want to own it in Solana or you want to own it in Bitcoin. Right. And so I think that that's a very interesting playground for creators to play in, because we don't need to be chain agnostic. We need to be chain agnostic. We don't need to commit to a particular chain. And eventually Ethereum is constantly evolving, and they've just upgraded again recently. So I think that Ethereum will still probably be the most dominant, but people like Solana are coming up. Bitcoin ordinals are also a very, very prominent player game now. Yeah. Okay. Thank you so much for having this conversation with us and for giving us your valuable time. एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। इन दिनों रोनाल्डो कुछ ऐसा ही एटीट्यूड दिखा रहे हैं। बाइनेंस के साथ एसोसिएशन के चलते $1 बिलियन के लॉसूट में फंसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इस केस की कोई चिंता नहीं है। उन्हें फिक्र है तो बस अपने कमिटमेंट की, फैंस से किए गए अपने वादे की। तभी तो इस लॉसूट की परवाह किए बगैर रोनाल्डो ने बाइनेंस के साथ अपनी फोर्थ एनएफटी कलेक्शन का पहला फेज लॉन्च कर दिया है। 29 मई को बाइनेंस एनएफटी मार्केटप्लेस पर इस कलेक्शन फॉरएवर वर्ल्डवाइड द रोड टू सऊदी अरेबिया का डेब्यू हुआ, जिसमें मडेरा, लिस्बन और मैनचेस्टर से एनएफटी आर्टवर्क्स शामिल थे। ये कलेक्शन रोनाल्डो के चाइल्ड प्रोडिजी होने से लेकर मैड्रिड तक के सफर की कहानी सुनाता है। मडेरा में रोनाल्डो के फुटबॉल करियर की शुरुआत से लेकर उनके फुटबॉल आइकॉन बनने तक के सफर को बयां करती है। इस कलेक्शन में कई रियल वर्ल्ड रिवॉर्ड्स शामिल हैं, जैसे कि विंटेज जर्सीज, फुटबॉल टिकट्स और साइन पोस्टर्स। कुछ लकी कलेक्टर्स पर्सनलाइज्ड वीडियोस में क्रिस्टियानो से सवाल भी पूछ सकते हैं, जिनका जवाब खुद रोनाल्डो देंगे। तो वहीं 7 सुपर रेयर पोर्टुगल एनएफटीज में रोनाल्डो के साथ एक्सक्लूसिव इन पर्सन एक्सपीरियंस तक शामिल होगा, जिसमें मैच देखने के लिए रियाद तक का ट्रिप भी शामिल होगा। इसके अलावा रोनाल्डो के साथ एक पर्सनलाइज्ड गोल सेलिब्रेशन मोमेंट को एंजॉय करने का मौका भी मिलेगा। भाई वाह, क्या बात है, इतने सारे रिवॉर्ड्स। खैर, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते या करते हैं तो उसका फायदा उनके कंपेटिटर जो बाइडेन के मीम कॉइन जियो बोडन को मिल जाता है।
अब क्या किया ट्रंप ने जिससे मीम कॉइन से मची हलचल, चलिए देखते हैं। अभी कुछ ही हफ्तों पहले ट्रंप ने बड़ी शान के साथ अपने एनएफटी होल्डर्स के साथ अपनी मार-अ-लागो एस्टेट पर शानदार वीआईपी डिनर पार्टी की थी और बढ़ चढ़ कर क्रिप्टो के नाम पर वोट मांगे थे, लेकिन न्यूयॉर्क ज्यूरी ने ट्रंप के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। हाल ही में न्यूयॉर्क ज्यूरी ने 34 काउंट्स पर ट्रंप को गिल्टी घोषित किया और इस अनाउंसमेंट के बाद ट्रंप की एनएफटी का प्राइस 35% गिर गया। ऐसे में ट्रंप के एनएफटी होल्डर्स बेहद निराश हैं। वैसे मजे की बात तो ये है कि ज्यूरी के इस फैसले के बाद ट्रंप के कंपेटिटर जो बाइडेन के नाम पर बना मीम कॉइन जियो बोडन 20% बढ़ गया। ट्रंप पर बिजनेस रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करने और फैलने के आरोप हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्लॉकचेन पावर प्रेडिक्शन मार्केट पर ट्रंप के जीतने या हारने पर बिड्स लग रही हैं, जिसमें ट्रंप के कोर्ट केस में उनके खिलाफ फैसला आने के बावजूद ट्रंप 56% बिड्स के साथ जीत रहे हैं वर्सेस बाइडेन जिन्हें सिर्फ 38% वोट्स मिले हैं। वाह, ये एनएफटी भी ना क्या कमाल की चीज है। जिन हाई एंड लग्जरी कार्स को देखकर मैं लंबी सांसें भरती थी, अब उन लग्जरी कार्स को हम ओन कर सकते हैं। मैं ही क्या, आप भी ओन कर सकते हैं। अरे मैं मजाक नहीं कर रही, अब आप भी पोर्शे, बेंटले, फरारी जैसी लग्जरी कार में सवार होकर उसे रफ्तार से दौड़ाते हुए अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस कर सकते हैं। अब आप लग्जरी कार्स के मालिक बन सकते हैं। यकीन नहीं होता ना, लेकिन ये सच है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और एनएफटीज की बदौलत लग्जरी कार ओनरशिप की दुनिया में एक नई और एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आई है। ड्रीम कार्स एक पायनियर क्रिप्टो प्रोजेक्ट ऑफर कर रहा है एनएफटी के जरिए फ्रैक्शनल ओनरशिप, और वो भी फुली इंश्योर्ड पोर्शे, बेंटली, फरारी जैसी हाई एंड कार ब्रांड्स की, जो है ना गजब की बात। ड्रीम कार्स की नेटिव क्रिप्टोकरेंसी डी कार्स की प्री सेल को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। डी कार्स टोकन्स को खरीद कर मर्सिडीज बेंज, पोर्शे, बेंटली, रोल्स रॉयस, फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी लग्जरी कार्स को फ्रैक्शनली ओन किया जा सकता है। इन फ्रैक्शंस का प्राइस महज $10 से शुरू होता है। डी कार्स प्री सेल इन्वेस्टर्स को इन टोकन्स को एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने से पहले डिस्काउंटेड प्राइसेस पर खरीदने का मौका दे रहा है। आपको वो प्यारे प्यारे क्यूट टेलीटबीज याद है जो हम में से कईयों की बचपन की यादों का अटूट हिस्सा है? अब उन्हीं टेलीटबीज पर बेस्ड एनएफटीज लॉन्च होने वाली है। क्या आप ये एनएफटीज खरीदेंगे? एआर डिजिटल प्लेटफॉर्म मेटापैल्स अपनी पहली एनएफटी कलेक्शन लॉन्च करने के लिए तैयार है। ये कलेक्शन टीजोस ब्लॉकचेन पर लॉन्च होगी, जो 20,000 टेलीटबीज थीम्ड एनएफटीज फीचर करेगी। इस इनिशिएटिव के जरिए बच्चों के पसंदीदा कैरेक्टर्स और एडवांस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मर्ज किया जा रहा है। मेटापैल्स वाइल्ड ब्रेन सीपीएलजी के साथ कोलैबोरेशन में क्रिएट कर रहा है टेलीटबीज एनएफटीज की सीरीज। ये डिजिटल कलेक्टिबल्स मिंटिंग के लिए मेटापैल्स वेबसाइट पर May 31st से अवेलेबल हैं। हर एनएफटी को यूनिक तरीके से डिजाइन किया जाएगा, जो डिस्टिंक्ट ट्रेट्स, बिहेवियर्स और कलर्स शोकेस करेगी, ताकि यूजर्स को डाइवर्स और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिले। इस कलेक्शन में 20,000 यूनिक टेलीटबी एनएफटीज होंगी, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करेंगी और कस्टमर बिहेवियर जिप्स के साथ यूजर इंटरेक्शन को और बेहतर बनाएगी। एनएफटी होल्डर्स को एक्सक्लूसिव पर्क्स, न्यू कैरेक्टर्स का एक्सेस और फ्यूचर एयरड्रॉप्स का एक्सेस भी मिलेगा। May 31st को लॉन्च हुए इन टेलीटबी के डिजिटल कलेक्टिबल्स और उनकी एक्सेसरीज की रेंज में रेरिटी की कई कैटेगरीज होंगी, अनकॉमन से लेकर एपिक तक। ये एनएफटीज 3 डिफरेंट मिंट टाइप्स में अवेलेबल होंगी, रैंडमाइज्ड, हैंडपिक्ड और द गैंग, जिसकी प्राइस रेंज $5.99 से $49.99 के बीच होगी। वेल, दैट्स ऑल इन दिस एपिसोड ऑफ एनएफटी वर्स। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन एनएफटी की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए हर हफ्ते लाती रहूंगी। टिल देन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू 3DoroTV, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3DoroTV.io पर, या फिर QR कोड को स्कैन करें।